अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये मुगलिया की रेसिपी रेडी की है। इसको मटन मुमताज कहते हैं। ये खाने में बड़ी मज़े की होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी रेसिपी ये है। सबसे पहले हमने 2 कप पानी लिए है। ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने 4 पीस में काट लिया है। ये 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये 20 से 22 मैंने बादाम लिए, जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। और ये 4 छोटी इलायची ली है। हम इनको पानी में डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। हमारे मसाले को बॉईल आना शुरू हो गया है। हम 2 से 3 मिनट इसको बॉईल देंगे, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और सबसे मेन बात, मैं अपने सारे सब्सक्राइब का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मसाला जो हमने बॉईल किया था वो हमने ठंडा कर लिया, आप इसे जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जिस पानी में हमने बॉईल किया था यही थोड़ा सा पानी हम छिंदर ले लेंगे। सा मिक्सचर ग्राइंड हो गया। ये हमने 1 किलो गोश्त लिया है, इसमें 1 पाव दही डालेंगे, साथ इसमें ये 1 चाय के चम्मच कूटा हुआ जीरा, 1 चाय के चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चाय के चम्मच नमक और 1.5 चाय के चम्मच काली मिर्च। आप नमक और मिर्च अपने अनुसार से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप थोड़ी तौर पर पकाना चाहें तो वो भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसको आधा घंटे के लिए रखने लगे हैं। ये हमने आधा कप घी ली है, इसको हम गर्म कर लेंगे। पहले इसमें जो मसाले जाएंगे, ये 1 सफ़ेद जीरा है, 1 चाय का चम्मच, ये 1 छोटी इलायची है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, अगर बड़े तो आप 1 लग सकते हैं, ये जलपत्री का टुकड़ा है, और मैंने 4 से 5 लौंग ली है। ये मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। साबुत खड़े मसाले हम थोड़े से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमारा मसाला फ्राई हो गया, अब 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम कर देंगे। एक मिनट अदरक लहसुन का मसाला भूनने के बाद जो हमने गोश्त मैरिनेट किया हुआ था इसको उसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसकी गोश्त की भुनाई कर लेंगे। प्याज से 5 मिनट हम इसके चिकन से भुनाई कर देंगे और जो हमने प्याज का मसाला बनाया था वो हम इस पर एंड पे शामिल करेंगे। हम इसके अच्छी तरह से भुनाई कर लिए, अब हम जो प्याज का पानी बचा था वही इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप कढ़ाई में पका रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी शामिल कर लें, अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी शामिल करके इसको कढ़ाई में 40 मिनट के लिए रख दें और प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और 40 से 45 मिनट बाद देखेंगे। हमने ढक्कन उठा के चेक किया, हमारा गोश्त डाल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी, अब हम इसको ड्राई कर लेंगे। हमारा पानी खुश्क हो गया है और इसके ऊपर आ गया। अब हमने जो प्याज का मिक्सचर बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे।
इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे, या यूँ कह लें कि जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इस मसाले को पकाएंगे। प्याज के मसाले को हमने ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि प्याज हमने पहले बॉईल कर लिया था, उसको पका लिया था, इसलिए बस घी ऊपर आने का ही इंतज़ार करेंगे। माशाल्लाह हमारा गोश्त रेडी हो गया, सारा घी इसके ऊपर आ गया। मैं तो आपको दिखाऊंगी।